अफसाना खान आपका बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम कैसी हैं आप uh, मैं ठीक हूँ बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स मुझे लगता है कि अब तक जिन जिन आपने इंटरव्यूज़ किए हैं जो जो इंटरव्यूज किए हैं लोगों को आपके बारे में सिर्फ थोड़ा कुछ ही मालूम पड़ा यस yes. आप एक मिस्ट्री हैं वही आपने सही जैसे हम मिले हैं अभी दस मिनट हुए मिले हुए हैं तो हमने मुझे जज कर लिया कि आप थोड़ा सामने आई है जो है वो नहीं आई रियलिटी है ये सो so, हाँ तो मैं इस इस इंटरव्यू के जरिए जितना मतलब दिखा सकती हूँ कि अफसाना कौन है क्या है वो इस इंटरव्यू राय बताऊँगी तो अब तक आप इतनी छुप छुप के क्यों बातें करती हैं आप खुल के क्यों नहीं आती सामने <laughs> मैं खुल के आगे आप शुरू हो जाओ फिर मैं जो आप पूछोगे बताती जाऊँ तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि अफसाना खान कौन है <laughs> अफसाना खान एक अपने आप दे जिदा कह लो कि अफसाना खान है जिसके अफसाने आप सुनते हो तो एक नॉर्मल फैमिली तो लड़, लड़की है नॉर्मल परिवार की और वो ऐसे मतलब सिंगिंग का शौक़ है शौक़ पूरा करते करते वो आज यहाँ बैठे हैं आपके सामने ये अल्लाह का कर्म है वाहिगुरु जी का कर्म है सो बहुत मेहनत है इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है तो वहाँ से अफसाना खाने की बनी है जो अभी आज सारी दुनिया के सामने है। तो उस स्ट्रगल का दर्द हमको सुनने को मिलता है आपके गानों के ज़रिए क्योंकि हर गाने में एक दर्द है एक पेन है एक, एक है जो मैं शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता ठीक तरह से लेकिन मैं ये समझ चा, समझना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ से मैं देखता हूँ आप तो एक हैप्पली मैरिड शादीशुदा औरत है जो अपने हस्बैंड को बहुत लव करती हैं आप इतने ब्यूटिफुल वीडियोज़ बनाती हैं इंटरनेट पे लेकिन आपके गानों में एक अलग तरह का दर्द है आ, इस दर्द के बारे में आप जानना चाहते हो ये दर्द दरअसल हमें पदाइशी गहे जा बोलो के वरदान में मिला था क्योंकि बहुत छोटी उम्र में बहुत स्ट्रगल पेरेंट्स नहीं मेरे पापा नहीं रहे थे मैंने मतलब उनसे ना गायकी सीखी है तो ना कभी उनको सुन पाई मतलब ये टाइम ही नहीं मैंने स्पेंड किया उनके साथ क्योंकि बहुत छोटी थी मैं जब वो पूरे हो गए थे तो वो दर्द और फिर ऊपर जो स्ट्रगल होती ना वो बंदे की मतलब ना नक्च दम कर देंद् है जिन्हों बोलते ना कि इन्ना का ज़्यादा स्ट्रगल देखे हुआ क्योंकि अज लोगों अफसाना खान एक गोल्ड कैरी किया हो एक अच्छा नाम फेम वो सब दिख रहा पर ये ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾ ਮੇਰੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਉਹ ਫੀਲ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਸੋ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਕبھی ਇਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ मुझे पता है कि आप अपने हस्बैंड को कितना लव करती हैं आप तो दो मिनट उसके बगैर नहीं गुजार सकती वो दूसरे कमरे में है अभी भी मुझे पता है आप उसको उनको मिस कर रही हैं लेकिन आपको कभी ये डर रहता है कि आप इतनी खुश हो जाएंगी कि आपकी आवाज़ में जो दर्द है वो मिट जाएगा हाँ, नहीं मिटाना नहीं है दर्द <laughs> मतलब मैं दर्द रखना है गानों के राही हर गाने को ऐसा फील देना है प्यार की बात है मैं बहुत प्यारी हूँ मतलब प्यार करती हूँ सबका ही करती हूँ तो फैमिली को ज़्यादा करती हूँ हस्बैंड को करती हूँ और जितने मुझे प्यार करते हैं सबको करती हूँ और करती रहूँ बोल, बोल दे बोल दे बेबी जी को आप बहुत प्यार करती हैं <laughs> आपको कैसे पता बेबी जी मैं अपनी <laughs> पक्की रिसर्च करके आता हूँ बेबी जी को आइए बेबी जी नाम कहाँ से आया <laughs> <laughs> मुझे ना ਪਿਆਰ ਹਮ ਨਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੂ ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਝੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਗਮ ਇਤਨੇ ਦੁਖ ਦੇਖੇ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ ਤੋ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛੇ ਸੇ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਰਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ उन्होंने रजा तो बिना कुछ भी नहीं होंगे जो उन्होंने ये चांस दिता तो क्यों ना इंजॉय करिए अब आप, आपने हेटर्स की बात छेड़ दी है आपने खुद हेटर्स की बात छेड़ी है क्या अफसाना खान के हेटर्स हैं लोगों को ना पता नहीं है कि अफसाना मतलब क्या है जज करते हैं ना जो लोग घर पे बैठे वो मुझे बहुत रुलाते हैं सम टाइम मैं बहुत रोती हूँ तो मैं शायद अभी भी ना इमोशनल हो जाऊँ नहीं पूरा मेकअप किया हुआ है इमोशनल नहीं होना नहीं बात पता क्या है कि ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗਲਤ ਜਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਐਦਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨੋ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਸ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫੇਮ ਆ ਇਧਰੋਂ ਫੇਮ ਆ ਉਧਰੋਂ ਫੇਮ ਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਫਸਾਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 17 18 ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਏਦਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਤੇਰੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 골ਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਦਾ

ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਹੰਜੂ ਆਇਆ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੈਣ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੀ ਹਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀ ਹਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ दर्द तेर वाई होई है के जीने सन्नो जख्म दित्ता जी साडी ओदे ना जुदाई होई है थैंक यू अफसाना जी आपकी आवाज में एक जादू है मैं आपको सच बता रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से मैं आपके गाने रिपीट पे सुन रहा हूं ना सिर्फ इस दर्द की वजह से क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना कुछ दर्द नहीं है पता स... नहीं क्यों मैं इतना कनेक्ट करता हूं लेकिन आपकी आवाज में एक एक लचक है एक एक पता नहीं क्या है उसमें एक डेप्थ है उस आवाज़ में थैंक यू लेकिन so, अभी जो आपने बातें छेड़ी हैं मैं ये इस बात पे थोड़ा गौर करना चाहता हूँ आपने कहा है कि सतारा अठारह में आपके पास पानी की बोतल खरीदने के पैसे नहीं थे तो जो आज मेरे सामने अफसाना खान बैठी हुई है जो यूके आई है बर्मिंगम आई है उसको यकीन आता है कि पिछले आठ सालों में आपने इतनी तरक्की की of course, है बस मैं यही बात कर रही हूँ कि सतारा में मैंने रियलिटी शो किया था राइजिंग स्टार तब से बस मेरे शो चलने शुरू हुए कि मुझे पैंतीस हज़ार चालीस हज़ार ऐसे मिलने उससे पहले कौन बंदा कहता है इंडस्ट्री में मुझे बोले कि मैं लेके आया हूँ भाई इसको ये तो ऐसा थी ऐसी थी हम पाँच बहन एक, एक भाई है सब फैमिली को लेके मैं चल रही थी मेरी मम्मी लोगों के घर के काम करती थी मेरी मम्मी फिर गुरुद्वारा साहब में रोटी बनाती थी मैं लेके आती थी वो अफसाना क्यों नहीं जानते लोग वो अब भी दिख रहा है कि हाँ भाई बना बनाया है सब मेन तो है हम चार चार घंटे स्टेजों पे गाते हैं हम कोई ऐसा नहीं है कि आ, लूप लगाया या फिर कोई माइनस वन पे गाते हैं। ऐसा नहीं हम लाइव गाते हैं तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है और ये चीज़ें ना जो रियलिटी है वो लोग दिखाते नहीं हैं और लोग झूठ को और और चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं जो रियलिटी है वो सुनते हुए अच्छी चीज़ आप कुछ भी पेश कर दो लोग उसके लाइक ही नहीं करते लाइक ही नहीं आते उसको गंदी चीज़ कुछ भी पेश कर दो लोग धड़ाधड़ उसको रातों रात वायरल करते हैं तो थोड़ा सा यही बोलूँगी सबको चाहे वो मेरे फैंस हैं चाहे वो मेरे को प्यार करते हैं चाहे नहीं करते किसी को बिना मिले हुए जज नहीं करना चाहिए मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है और मैंने अपने आप से कसम खाई हो कि मैं जज नहीं करूँगी किसी को क्योंकि बहुत गंदा फील होता है बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ दिल से प्यार किसी के साथ फोटो डाल दी तो ऐसा थोड़ा कि उससे फेम मिल फेम ले रहा है ऐसे फेम मिलने लग गया तो हम घर बैठ जाते हैं फोटो डालते हैं बात ख़त्म गाने की तो ज़रूरत ही नहीं हम क्यों आ रहे हैं अपनी फैमिली को दस दस, दस दिन छोड़ के महीना छोड़ के आउट ऑफ कंट्री आ रहे हैं जा रहे हैं रोडों पर रहते हैं वो तो स्ट्रगल किसी को देखता नहीं धुंध होती है गर्मी होती है सर्दी होती है कुछ भी हो सकता है इतना हम ट्रैवल करते हैं लेकिन ये जो सारी बातें आप कह रही हैं ये तो काफी सालों से ऐसे हो रहा है और खास तौर पे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कि जब कोई कामयाब होता है <coughs> उसकी कदर तब ही होती है हाँ जी जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है तब नहीं तब कोई उसे बात भी नहीं करना चाहता नहीं करता कोई भी नहीं करता तब सब लोगों को नेगेटिव लोग लगते हैं वो जब कुछ बन जाता तब बोलते हैं आपको और बहुत अच्छा आप पॉजिटिव है भाई हम वही हैं वही अफसाना है वही आवाज है बस ये है कि आप कृपा होगी वो आप लोगों की नहीं जो लोगों ने ठुकराया था उन लोगों की नहीं वो ऊपर वाले की कृपा हुई है तो आपने कहा था ना कि राइजिंग स्टार से आपको एक मुकाम मिला था एक एक प्लेटफॉर्म मिला था अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए लेकिन उसके बाद जब आपने बिग बॉस किया था मुझे लगता है उसके जरिए आपकी रीच और भी ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने जब आपको बिग बॉस पे देखा था कुछ लोग आपसे डर भी गए थे कि कौन औरत है जो इतनी फेस है अपनी बातें करती मैंने कभी टीवी नहीं देखा था मतलब बिग बॉस सब लोग तैयारी करके जाते हैं ना तो मैंने मतलब अपनी गायकी की कसम कभी देखा ही नहीं था तो चलो मुझे मुझे ना एक पहले पता चल जाता है कि मैं

तो मैं को आदत नहीं थी रहने की अभी भी मैं बाहर आती हूँ तो मेरी फर्स्ट कंडीशन यही है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ मैं आऊंगी मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा था मैं काफी हंसा था वो देख के शायद साज को उस दफा वीजा नहीं मिला था पता नहीं क्या था, मसला था आपको अब पता मेरी कंडीशन क्या होगी थी वहां पे कैनेडा में थी क्या हो गया बी बढ़ गया दो बंदे मुझे देख रहे हैं मतलब ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं नहीं रह पाती बहुत दूर तो ये जो कंडीशन हुई थी बिग बॉस में फैमिली से दूर सास से दूर इस चीज़ से थी तो एक उन लोगों ने क्या किया कि लॉकडाउन लगा था तो हमें क्वारंटीन कर दिया पिछली बात तो किसी ने बताई नहीं कि मुझे दस दिन अकेली होटल में छोड़ दिया मैं जब फैमिली से रही नहीं दूर हस्बैंड से दूर नहीं रही टीवी में चले जाती हूँ वो सब दस लोग थे एक अकेले छोड़ दिया आपको उस ची उस चीज़ से मेरी सेहत खराब होगी खराब होने के बाद मुझे तो जिंदगी में पहली बार पता लगा कि पैनिक अटैक भी होता है कोई मुझे वो हो गया हाइपर होगी तो चलो फिर एंट्री करा दी उन्होंने बोला कि ठीक है करना है नहीं तो पैसे भरने पड़ेंगे ये वो मैं सब मैंने बोला कि सब ठीक है सेस से जरूरी कुछ नहीं है चलो फिर कर लिया करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे लोग ही ऐसे थे कि बदतमीजियाँ करनी बैठ गई बेशक आप शो जीती नहीं लेकिन आपने लोगों के दिल जरूर जीते थे उस शो दिल के जीते बाद। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ बहुत ऐसी हूँ पर नहीं मैं सही को सही बोलूंगी उसमें चाहे शो से बाहर निकाल दे कोई चाहे मौत ही हो जाए मेरी बट नहीं सच बोलो सच बताओ हाँ। आपको जब आप आई थी थी ना आपने बड़ी भी पहनी हुई थी। मैं खुद थोड़ा सा डरा हुआ था कि ये बिग बॉस वाली अफसाना तो नहीं आ गई अरे भाई अब अब बात कर रहे हो दस मिनट में पता चल गया ना कैसी हूँ अब तो वैसी है ही नहीं है ही नहीं हूँ मैं जीरो परसेंट भी मैं ऐसी नहीं हूँ जो दिखाई गई है और पहली बार ये बताओ जो बिग बॉस शो है वो अच्छी बात है तो 24 घंटे में शूट आप शूट करते ही हो अब भी तो चलो अच्छी अच्छी चीजें जो होगी या फिर कोई कंट्रोवर्सी वाली सब सब ऐसा करते हैं तो वो लोग 24 घंटे में मैंने अच्छा काम किया क्या, वो थोड़ा दिखाएंगे एक घंटे के एपिसोड में नेगेटिविटी दिखाएंगे ना हाँ। वो कोई ऐसा शो तो है नहीं है भाई ये तो महान सज्जन दानी है अफसाना खान ये तो भलाई करती है लोगों की ये थोड़ा दिखाएंगे ये तो वो दिखाएंगे ये बदतमीजी कर रही है वो कैच करेंगे चले अभी हमने कोई सी की बात करनी है लेकिन उससे पहले आप अपने पसंद का कोई भी गाना हमको गा के सुना लें पता नहीं जी कौन सा नशा करता है नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है छुप छुप के बेवफाइयों आँखों में आंखें डाल के दगा करता है हो वे मैं जान दे तू मेरे नानी वाणी कोई तेरी प्यास मिटा मैं हाय पानी नी कोई मेरे सामने ही ताड़ कुड़िया अगला के शर्म पर्दा कदीते कदी ओस फुल, फुल यार मेरा तितिया वर्गा यार मेरा अब अफसाना मुझे बताएं आप इतनी खुशी खुशी इतने दुखी गाने कैसे गाती हैं <laughs> ये चेहरे पे मुस्कान है और <coughs> दिल में आप रो रही हैं क्या हो रहा है ये ये टैलेंट है <laughs> क्योंकि रो, रोते चेहरे को कोई नहीं पूछता ना हंसना पड़ता है हाँ। दुनिया में और आप भी तो वो हंसी भी बर्दाश्त नहीं होती कुछ लोगों को ये सही कोई बात नहीं लेकिन मैं आपके गानों के कुछ लिरिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ मुझे पता है आपने काफी कुछ लिरिक्स के साथ काम किया है जानी के साथ निर्माण के साथ बहुत सारे हैं लेकिन ये जो लिरिक्स है ना आपके गानों में एक लगातार एक थीम आता है कि कोई बेवफाई कर रहा है कोई धोखेबाज है किसी ने दिल तोड़ा है पता नहीं क्या क्या हो रहा है जैसे इस गाने में तितिया में ये लाइन है हाँ जी। चुप चुप के बेवफाओं वाले दिन चले गए आंखों में आंखें डाल के दगा करता है यानी कि वो तो वो चेहरे पे आके चीटिंग कर रहा है जी यानी कि कोई शर्म ही नहीं है बेशर्म है बंदा वो बेगैरत है तो जब आपको ऐसे लिरिक्स मिलते हैं आपकी आपके आपके जहन में ये क्या पहला सोच आता है जहन में बस ऐसा ही होता है कि सोचना पड़ता है कि चलो दिल टचमुड कभी टूटा नहीं टूटे तो आ, फील करना पड़ता है कोई भी गाना आप सामने रखोगे ना उसको अपने अंदर जहन में मतलब फील करना पड़ता है फील के बिना तो गायकी नहीं है लेकिन ये? जब आप गाने वाली होती हैं कभी हंसी हंसी नहीं आती <laughs> <laughs> नहीं हम मजे बस जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं हाँ. बस ऐसे हम मजे मजे से गाना गा देते हैं ठीक है अच्छा हुँ. तो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो <coughs> लिरिक्स है हुँ. ये दुनिया भर में इतने लोगों के साथ कनेक्ट हो गए हैं कितने इतने लोग हैं जो जो ये सुन के कहते हैं ये तो मेरे साथ हुआ है ये तो मेरे साथ हुआ है अब सब बोलते हैं ऐसे लोग हाँ पर कोशिश यही है ना कि फील करके गाती गाते लोगों वो गायकी नहीं है जो फील करके ना गाई जाए मेरी मेरी नज़र में ये है और वैसे भी बहुत बड़े बड़े उस्ताद लोग सब यही बात बोलते हैं और ये रियलिटी है जब तक आप अपने आप को फील नहीं करेंगे वो चाहे डांस वाला है आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना गाते टाइम आप कैसे नचा दोगे दूसरे लोगों को बाहर फिर अगर रोने वाला गाना है अब तब खुद अंदर फील नहीं करेंगे भाई मेरे को हुआ ऐसा कुछ जहाँ तब तक मज़ा नहीं आता तो आपको पता है फील की तो बात है लेकिन ये जो लाइन भी है ना जैसे धोखेबाज में जो लाइन है धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज हो गए ये तो इस इंडस्ट्री के लिए भी आप यूज कर सकती हैं यानी कि इस इंडस्ट्री में की बात कर लेंगे <laughs> <laughs> क्योंकि मैं मैं आपकी स्ट्रगल सुन रहा हूँ लेकिन जो म्यूजिक इंडस्ट्री है और ना सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री लेकिन पूरी जो इंडस्ट्री इंडिया में म्यूजिक की है वहाँ पे अगर आप शरीफ बने तो लोग उसका फायदा उठाते हैं मैं वही बोलती हूँ कि ठोकरे खा के इंसान सीखता है पर अब हम सीख चुके हैं पूरी तरह तो दो के बाजू में रह रह के, के आप दो, दो बन, बन गई हूँ पर बनना आता नहीं फिर भी कम कभी ना कभी किसी पे इमोशनल हो ही जाती हूँ मैं इमोशनल हूँ बेसिकली क्योंकि बताया कि जिन बंदों ने पैदा होते ही दुख देखे हैं तो वो बंदा कैसे वो कर सकता है लाइक कुछ भी हो खुशी में अभी इतना कुछ है कृपा के साथ फिर भी हम बैठ के पूरी फैमिली में और मैं सच मानूँ कि आज भी रोके आई हूँ इंटरव्यू से पहले क्यों मतलब इमोशनल हूँ मैं मतलब याद करके कुछ भी रो पड़ती हूँ तो इतने हैवी हैवी गाने गा के ये आपकी सेहत पे थोड़ा सा ये असर पड़ता है कि आप ऐसे इतने इमोशनल हैवी गाने गाती हैं इमोशनल तो मैं हूँ बस वही है ना इमोशन से गाना आता है यही बस हो जाता टाइम खुशी खुशी के पल में हाँ जब आपको स्टेज पे जाके फिर धोखेबाजों के बारे में बात करना पड़ता है तब तो फिर अगले देखना पड़ता है ना जब गा रही होती बाज, भी कितने बाज खड़े हैं सब ऐसे कर रहे होते हैं बाज। मैं सोच रही यार इतनी दुनिया दुखी है क्या इतने तो सब प्यार व्यार करने वाले मेरे को लगता आए हैं कपल पर पता चलता है वो अपने आप ही लेके बैठे होते हैं गाना तो वो सब देख के ना फिर एक तसली मिल जाती है की हाँ भाई कल हम दुखी नहीं है सब दुखी है अफसाना थोड़ा सा हमें धोखा आवाज दो के बाद प्लीज सुना दे ओ हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए हो खे बाजों में रह रह के दो बाज बन गए दो बाजों में रह रह के दोखे बाज बन गए अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं हम लोगों हम लोगों में रह के धोखेबाज बन गए हम कल नहीं थे जो आज बन गए ओ धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज बन गए वाओ <laughs> आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, हुई गायकी में हाँ, हाँ। नहीं।, नहीं।, तो ये आवाज कहाँ से आई आ, uh, मैं ना आखिरी नाम उनकी बच्ची बस। आप किसी को सुन के आपने है या आप किसको सुनती थी कौन आप कुछ नहीं सुनती मैं कोई म्यूजिक अभी भी नहीं सुनती मुझे बहुत रेयर कोई लग रहा है कि हाँ मैं सुनूं आपकी जो जो आवाज है वो एक सूफी वाइब में चलती है तो क्या आप नुसरत फती खान हाँ, साहब के गाने या आप दर वी मैं वही कह रही हूँ कि समटाइम जब हम सुनते हैं जैसे अभी यहाँ से जाना है हमने तो हम महफल करवाते हैं लाइक तो नुसरत साहब जी को हम सुनते हैं वो भी ऐसे नहीं कि मैं डेली म्यूज़िक ही सुनूँ मतलब जब भी सुनूँ तो नुसरत साहब जी को आ, रिचा शर्मा जी दी और बहुत सारे जो सरीले फ़नकार है सब उनको कभी कभी जो जिसका भी गाना मुझे अच्छा लगता है सुन लेती हूँ आप कोर्स सिद्धू मूसाला जी के बहुत गाने सुनती थी और उनके साथ आपने गाने गाए भी हैं और वो आपके एक भाई थे जी। और यू you नो know, हमें बहुत अफसोस हुआ है उनके जाने का जी। लेकिन आपने उनका नाम रोशन रखा है जी। आप जहाँ भी जाती हैं आप उनके बारे में बात करती हैं आप उनके अच्छी बातें करती हैं उनके बारे में आप दोनों में ये क्या कनेक्शन थी आ, इस बात पे भी मैं बोलूँगी क्यूँकी एक बॉन्ड होता है एक बंदे के साथ ही होता है फैमिली में भी हम कभी मम्मी के क्लोज होते हैं कभी पापा के लड़कियों की मोस्टली पापा के साथ बनती होती है ये रियलिटी है ना तो मैंने ये ऐसा फील नहीं किया कि मुझे पापा ही नहीं है ना मिले हमें तो क्या है हमारा बॉन्ड है मम्मी के साथ मम्मी के बिना अभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ उनको लेके मैं बहुत अपसेट रहती हूँ सेहत भी उनकी ख़राब हो जाए तो तो क्या है ऐसा मेरा ना मकसद जो था इस चीज़ पर मैंने बात करनी ही थी क्योंकि ना इस रिश्ते को भी लोगों ने बहुत वो किया है आप देखते ही होंगे पता चली जाता है उन्होंने मिस उसको मिस यूज़ किया यूज़ किया है, है क्योंकि जिस बंदे के साथ जिस इंसान के साथ प्यार था अब पहली बात तो यही करूंगी वो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो लोगों को प्रूफ देने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है तो अगर बात करेंगे हम करते हैं क्योंकि बात होगी हमेशा उनकी क्योंकि वो बहुत अच्छे भाई थे तो मैंने उनको भाई बनाया था मेरी पहल पहल थी होती ना कि कौन बनाता है मैंने बनाया था भाई उनको और काम किया और अच्छा लगा काम करके और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे एज ए सिस्टर है ना तो जैसे आप किसी को प्यार देते हो जी कहोगे जी कहाओगे मैंने वो थिंकिंग ही नहीं रखी कि हाँ भाई ये कौन है या कैसा वो नथिंग रिस्पेक्ट दिया रिस्पेक्ट लिए अब लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं ये ऐसा बॉन्ड है ये मतलब गलत बहुत लोगों ने तो बहुत कुछ ही बोला कि सब मैंने कराया ये कराया सब कुछ हो चुका है मतलब इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हुआ है पर कोई बात नहीं हम सही थे हमने वो इन्वेस्टिगेशन भी करवाई है कि हाँ पूछो जो रिलेशन था ऐसा बॉन्ड था सिर्फ भाई बहन का काम का और काम का कैसा था कि जैसे हमने गाने किए थे भाई के साथ अभी भी हम गाने करते ना किसी आर्टिस्ट के साथ तो हम करते हैं कि जब हम अपना चैनल लगाएंगे तब तो हम आपसे ले लेंगे तो ऐसा प्यार था भाई ने भी बोला भाई मैंने ठीक है गाने करती है मैंने कोई पेमेंट नहीं ली किसे भी गाने दी ठीक है तो आ, उद, उनकी कंपनी उनके बंदों म्यूज़िक डायरेक्टर केट था सब उनकी कॉल आई थी और जब कॉल आई थी मैं कनाडा से शो लगा के वापस आ रही थी जब मुझे धक्के गाने की कॉल आई थी तो ऐसे ऐसे करके बात होती रही चलो काम करते रहे वो मुझे प्यार से उनको पता था भी मैं कैसी हूँ वो ही इंसान थे जिन्होंने मुझे समझा है कि ये कैसी बंदी है और इंडस्ट्री में और भी लड़कियां हैं और भी सिंगर हैं सबको कोई भी बहन बना सकता है बट नहीं मुझे क्यों बनाया कुछ तो होगा मेरे में है ना तो ऐसा क्योंकि वो मुझे मैंने इतना किया उन्होंने मुझे भी वापस प्यार दिया तो ऐसा होता है फिर हम बातें जो अभी मैं लोगों को बताऊँगी सच माने या ना माने क्योंकि हम बोलते भाई ठीक है ये गाना कर रहे हैं ठीक है मेरा चैनल लगेगा मेरे लिए गाना कर देना पर हूँ उदा दल्ला कुछ नहीं है और हम लोग होर बहुत जुड़ गए ने जो बहुत गलत फेहमिया वो नहीं फैला चाहिए क्योंकि वो प्योर एक रिश्ता सी क्योंकि मैं रिस्पैक्ट ही की थी हमेशा मैं जिंदे जी भी फोटोज पोस्ट कर दी सी बाद भी कर दी बट, शादी आज, पे भी थे, हाँ, हाँ, बट आज ती करोगे ना आज लोग कह रहे हैं क्या बोलते है, फेम लेने के लिए फोटो डाल रहे हो ठीक है मतलब याद भी नहीं कर सकते याद करोगे तो लोग मैसेज सौ कमेंट नीचे ये आएगा कि आप तो फेम लेने भाई किस चीज़ का फेम अगर किसी बंदे के जाने के बाद फ़ोटो डाल के फेम मिले क्या फेम ऐसा फेम क्या करना है और ये आपकी गलत फहमी है ऐसा फेम मिला है तो ऐसा तो कितने हमारी फैमिली मेम्बर्स के चले जाते हैं लोग तो हम फैम उनका दुख होता है फेम थोड़ा मिलता है कि जहाँ ऊपर से कोई पेमेंट आती है फ़ोटो डालोगे तो ऐसा तो लोग जीने नहीं देते तो बहुत लोगों ने ये मुझे इमोशनली बहुत हो गया मैं बहुत बीमार रही हूँ पिछले एक साल ਤੋ ਮੈਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋ ਕਭੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਮੈਨੇ ਤੋ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੂਝੇ 12 ਮੂਝੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਹ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਾਜ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਐ ਮੈਂ इमोशनल ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ इमोशनल ਹੋ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਯਾ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ था बहुत लोग गलत फहमिया फैलाते नहीं फैला चाहिए क्योंकि फिर दुख होंगे कि वह हम बंदे कितों लियाइए कि, कि बंदा दसे आके भी कि प्यार सी। लेकिन ये बात इस यहाँ से आती है कि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर कोई किसी मुकाम तक पहुंचे या मशहूर हो गया है उसकी कोई फीलिंग्स नहीं रहती उसका कोई अपना एक आ, emotion नहीं रहता कि वो 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 सिर्फ एक एक पपेट जैसा बन जाता है, जाता है 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 और और में खड़ा हो हो या या खड़ी जाती गाने गाते हैं या करते हैं करते उसके अलावा उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती ये आप खुद ही अपनी बातों अपनी, अपने में बता दें कि आपकी भी हैं फीलिंग मैं यही समझती हूँ यही बताना चाहती हूँ इस इंटरव्यू राय कि हम लोगों ने पहले ही बहुत ठोकरें खाई होती है तके खा खा के हैं ਹਣਾ ਇਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਨੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਸਿੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਕਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੋ ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਦੀ ਜੀ ਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਹਣਾ ਪਰ ਜਿਓ ਜਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਔਰ ਜੀਂਦੋ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੋਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਥੋੜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਐ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਤੋੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀਅੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਣਾ ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਮਕਸਦ ਆ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਤੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲਤੀ ਔਰ ਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਚੀ ਅਚੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕ ਆਪ ਗਾਤੀ ਹੈ अभी हमने ना कोई सी की बात करनी है हमने संजय लीला बंसाली की बात करनी है हमने फिल्मों की बात करनी है लेकिन उससे पहले एक गाना हो जाए जो मुझे बहुत पसंद है वो है बर्बाद जो आपने सलीम सुलेमान और रफ्तार के साथ किया था इतना आपकी आवाज़ में लचक है उस गाने में आप प्लीज थोड़ा सा वो सुना दें ਵੇ ਅੱਜ ساری ਰਾਤ ਨੀ ਸੋਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਜੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ वे अज सारी रात नी सोना वे अज सारी रात नी सोना वे अज हुई वाओ जब आप ऐसे अभी यहाँ पे गा रही हैं उसके और ओरिजिनल और जो रिकॉर्ड है उसके बीच में मुझे फर्क नहीं पता चल रहा अच्छा हैं और यहाँ यूके में भी आप जो शोज कर रही है मुझे पता है, के लिए आप यही आवाज के आएंगी। क्या तैयारियां हुई है इनशाला आऊंगा इनशाला है, है। संडे के दिन जो बर्मिंग में शो हो रहा है उसके दिन मैं आऊंगा बहुत अच्छी टीम है जज्बा इंटरटेनमेंट लॉकडाउन बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज की

इतना अच्छा मतलब गाती रहती हूँ मुझे चाहे आधा घंटा भी ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपको सच बताऊँ आपके इतने अच्छे गाने हैं लगातार जिन गानों के बारे में हमने बात की है उनके अलावा भी इतने अच्छे गाने हैं लेकिन मुझे एक फीलिंग है कि जब आप पे अब परफॉर्म करेंगी शायद आपको पूरे तीन घंटों के लिए कोई सी हमेशा हाँ, <laughs> कोई सी बार 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 बार, बार गाना पड़ेगा क्योंकि ये गाना मोस्ट ट्रेंडिंग पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये गाना एक बन गई है। नहीं। ये गाना नहीं नहीं, तो <laughs> नीत अच्छी रखोगे ना तो मुराद अपने आप अच्छी मिलती है तो बस उनका कर्म है मैं, मैं तो इस गाने से पता क्या इस गाने से कि उससे पहले मैं बिलीव करती हूँ उन चीजों में बनाने वाला वही है मिटाने वाला भी वही है तो जब उसने कुछ सोचा ना आपके लिए हम सोचते हैं कि हमें जल्दी गाना हिट कर दो कोई भी गाना हम रखते हैं तो ये दीवार हमें दिख रही है इसके पीछे वाली दीवार तो उसको दिख रही है ना हमें नहीं दिख रही वो सोच के फिर बताता है कि भाई ये अच्छी नहीं है अभी डाल दूंगा मुसीबत में आगे जाके फिर मुझे ताने मारेगी कि ये क्या कर दिया भगवान बट अभी से मैं तेरे को थोड़ा लेट कर दूंगा पर अच्छा करूंगा अभी देखो अब इतना ट्रेंड कर रहा है गाना कोई गाना मेरे को नहीं लगता कि छः महीने बाद इतना हिट चला हो और पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे वीडियो और प्लस पॉइंट अब मैं क्या प्रूफ करूँ कि अफसाना अच्छी है जहाँ बुरी है हज़ार सौ वीडियो मुझे टैग बजती सौ की सौ डाल रही हूँ मैं इससे अच्छा और क्या हो कोई आर्टिस्ट नहीं डालता अगर टिकटॉक होता इंडिया में तो और गा पा देते हम यहाँ पे तो टिकटॉक पे जो कोई सी है ना लगातार कोई सी कोई सी कोई सी अभी इसी वक्त कोई सी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो सबके जो टिकटॉक फीड्स है ना हाँ, एक वीडियो होती है कोई सी एक वीडियो होती है तेरी बातों में कोई सी तो ऐसे ही लगातार चल रहा है जी लेकिन मैं ये आपको पूछना चाहता था आपने कहा था ना पांच महीने पहले ये गाना आया था पांच महीने पहले ये गाना इतना नहीं चला था ठीक ठाक उसने वही बात फिर ये इंसान के हाथ में कुछ नहीं है हमने बहुत अच्छा कर दिया पांच मिनट समय से पहले चीज छोड़ोगे जब लिखा ही नहीं उसका चलना दूसरी बात ये है कि भगवान किसी ने देखा तो नहीं इंसान में घुसता है इंसान में आता है वसता है तो क्या है वो अजबेबी अजबेवी डी जे है उनका बहुत बहुत थैंक यू फारूक है उसको अजबेवी बना देते हैं लेकिन वेवी हाँ, जो तो है वो यहाँ के एक डीजे है उन्होंने कोई सी का एक रीमेक रिलीज किया था तो आपको लगता है उसकी वजह से उसकी हाँ मैं जिस मेरा यही है जिस बंदे ने कुछ किया उसको क्रेडिट उसका का देना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं अब आपको क्या बताऊं कि मेरे आ, हिट गाना चल रहा है। मुझे तो आ, अभी सच ब, सच बोलूंगी इस गाने की पेमेंट भी नहीं हुई ठीक है और है सी भी नहीं मैंने दी अब गाने के पीछे जो पंजाब में लड़ाइयां हो रही है, आपको पता है इस गाने के लिए कितने डील्स और उसमें मेरा पैसा नहीं दे रहे लोग अपना सोच रहे हैं कि हाँ भाई इतना डेढ़ करोड़ तीन करोड़ का गाना ले लो ये ले लो तो मुझे पूछ रहे हैं लोग मेरे रिश्तेदार या मेरे पड़ोसी जो मेरे जो मेरे साथ हैं आपको पैसे मिले हैं इसका गाना चल रहा है लोगों को तो ऐसा लगता है ना इतना गोल्ड पहनती है भाई इनको तो पता नहीं कैसे चेक कर ऊपर वाले ने फेंक दिया होगा कहाँ लोग देते हैं आप पैसे कोई नहीं देता पैसे बहुत आप सुनोगे ना पंजाब के आर्टिस्ट भी हमारे बैठे हैं मैंने थोड़े टाइम पहले वो बीबी है मूवियों में काम करती हैं निर्मल ऋषि जी उन उन्होंने भी बोला इतनी बुजुर्ग बीबी है वो लेजर

मतलब लोगों को समझना चाहते चाहिए कि भाई अगर हमारा सबका काम चला है जैसे कोई सी चला है तो ऐसा नहीं आर्टिस्ट को बैठाना चाहिए नेक्स्ट गाने का फोकस करना चाहिए भाई हम नेक्स्ट कौन सा हिट दें क्योंकि स्टार्स मैच करते हैं जब गाना चलता है कोई एक बंदे के साथ नहीं चलता कि मैं बोलूं मेरी आवाज़ से चला नहीं उसमें राइटर का म्यूजिक डायरेक्टर का निर्माण का बन... बहुत बड़ा हाथ हाँ, है तो सब बंदों का हाथ है सब टीम होती है वो टीम बनी रहे ना तो अच्छी रहती है ये लोग हमारे समझते नहीं है टीम में ना ऐसा यार फैमिली रिलेशन ख़राब कर देता है ये तो फिर भी सब बंदे इधर उधर हैं पर इतने बंदे मुझे बो रहे कि भाई पैसे गाना ले दे दो गाना दे दो मैं सोचती हूँ भाई मेरे पास तो है ही नहीं मैंने तो गा दिया ठीक है चल रहा है और मैं प्रमोशन कर रही हूँ तो ये रियलिटी बाहर आनी चाहिए और मैं मानती हूँ ये एक बहुत बड़ी <coughs> एक एक कैंपेन है हाँ। यानी आप के अपने लिए जस्टिस यहाँ पे बोलना बोलना कि मुझे इसमें शर्म इस... क्यों है जब आपने मेहनत की है हक हक है, है। हक की 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 बात 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 है है लोग इसलिए नहीं यकीन करते होंगे क्योंकि जैसे आप खुद कह रही हैं सोने की दुकान बनी हुई है क्या, आप ये क्या करूँ शौक है अब मेरी बात सुनो लड़कों को शौक क्या होता है गाड़िया हाँ होता है ना मैंने भाई ये लेनी है भाई वो लेनी है मैं लड़की हूँ मैंने शौक किया है पूरा मैं इस पीछे भी एक स्टोरी है स्ट्रगल टाइम जब किसी ने देखते थे पहना हुआ तो फील होता था मेरी मम्मी लोगों के घर पे काम करती थी मैं देखती यार सोना पहना है तो मुझे अच्छा लगता था तो मैं क्या करती थी मेले मेले लगते हैं पंजाब में तो हम मेलों में जाके ना ज्वेलरी लेते होते थे तो जब खरीदते थे जब उसका कलर उतर जाता था फेंक देते थे अब जब उस टाइम से हम अच्छे टाइम में आए हैं मेहनत कर रहे हैं लोगों को पता गा रही है तो फिर क्यों ना पहने और कहाँ लेके जाना अगर अलमारियों में रख मक्खन है तो क्या फायदा क्या पता कहाँ पर जान निकल जाए लेकिन मसला ये है जब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ एक सेकंड में आपके हाथ देख रहा हूँ फिर मैं आपका नेकलेस देख रहा हूँ क्योंकि इतना गोल्ड है ना हर तरफ <laughs> ये डिस्ट्रैक्शन बन जाती है पूरा आप, आप ये थक नहीं जाती है, ये हैवी होता है <laughs> नहीं हैवी नहीं है बस शौक है मैं सबको बता दूं भाई मेरा शौक है मेरा शौक को पूरा करने दीजिए प्लीज काफी लोग होंगे जो कहते होंगे यानी कि आप शो ऑफ कर रही हैं आप ये क्या हाँ, कर रही हैं मैं बता दो कि कि मैं को मेरे को समटाइम तो रोना आता ही आता है कि भाई क्या करें डूब के मर जाए इससे अच्छा तो हम क्या करें बताओ मसला ये है ना कि जो आप गाने गाती हैं दर्द भरे सूफी जैसे लोगों को मेहनत क्यों नहीं दिखती यही क्यों दिख रही है, है जी क्योंकि अब तक जो ऐसे जॉनर में जो सिंगर आए हैं <coughs> जिन्होंने ऐसे गाने गाए हैं वो ऐसे नहीं आते ना वो नहीं इतने ग्लैमरस होते वो नहीं सोने की सोने का आपने जितना सोना पहना हुआ है ना <coughs> देखें आप खुद सोचें जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे मैंने खान साहब का नाम लिया या आपदा प्रवीण जी का नाम लिया या नूरा सिस्टर्स का नाम लिया आप उनको अगर देखें जहन में तो ऐसे वो उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होती तो मेरा शौक था मेरा ड्रीम था भी जब भी इंडस्ट्री में आऊँगी डिफरेंट करूँगी अब यार सब सोचते हैं ना सब सोचते हैं कोई जॉब में प्रमोशन सोचता है भाई मैं यहाँ लेवल पे पहुँचू तो मेरा शौक था मैं अब अब क्या करूँ तो लोग जो जो लोग आपको नहीं जानते यानी कि उन्होंने आपका चेहरा नहीं देखा हुआ उन्होंने सिर्फ आपके गाने सुने हुए हैं जो इंडस्ट्री में है तो जब वो आपको पहली दफा मिलते हैं और आप अंदर आती हैं आपने ऐसे ग्लैमरस कोट पहना हुआ है ये सारा जेवर पहना हुआ है वो थोड़े हैरान हो जाते हैं सब बोलते हैं कहीं भी भाई आप तो खान है सोने की ऊपर अफसाना खान है मैं बोल रही भाई शौक है बस मेरा शौक है मैं यही बोलूँ मेरे को मेरे को पता क्या शौक़ है कि मैं ना एक फैमिली से लाइक चलती आ रही रिस्पांसिबिलिटीज तो मुझे बस ऐसा था कि टाइम हर एक जैसा नहीं रहता हर पे टाइम चेंज होता रहता है मैं नहीं कि मैं ही अफसाना आई हूं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्ट्रगलर और लाइन में और, और किसका क्या कब टाइम आ जाए कुछ नहीं पता है ना और टाइम आना भी चाहिए उस लाइन से मैं निकली हूं मुझे पता ना कितना औखा होंगे सब लोग चाह हों कि मैं जब बनूंगा ना तो मैं ये करूँगा जब स्टडी करते हम क्या बोलते हैं मैं बड़ा होकर ये बनूंगा मैंने सोचा था सिंगर बनूंगी और डिफरेंट वाइब से आऊंगी मतलब कि हाँ मुझे मुझे थोड़ा हॉलीवुड कैरी करना अच्छा लगता है मुझे पता तो है आप तो ऑस्कर भी जीतना चाहती हैं ऑस्कर भी जीतना चाहती हैं इंशाल्लाह 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 तो अब रियाना बायोनसे ये लाइक करती हूं उनको मैं बस मेरा दरअसल दिक्कत क्या आती है मैं लोग अभी वेट को लेके बहुत बोलते हैं सच ये भी बात करनी है ये ये हमारी पूरी बात नहीं है हां बॉडी हमारे हाथ में नहीं है कभी कुछ क्या क्या अभी हम कोश हम भूखे तीन तीन घंटे गाए फिर भूखे रहे रह भी रही हूँ मैं क्या पता कि मैं कितनी डाइट करती हूँ लोगों को ये तो मोटी हो रही भाई आपके घर पे तो नहीं आके खा रही अपनी माँ बाप का अपने हस्बैंड अपनी फैमिली का अपनी हक का कमाई का खा रही हूँ पर बहुत ये चीज़ें इधर हॉलीवुड में नहीं ऐसा इधर चाहे कलर ब्लैक हो चाहे आप मोटे हो चाहे पतले हो लाइक रेस्पेक्ट है उधर नहीं है उधर तो शक्ल देख के इग्नोर मार देते हैं। पहले ऐसे ही हुआ इसीलिए तो ये सब मतलब किया है कि चल ठीक है ऐसे इग्नोर मारा ऐसे आएंगे बन के हम कितनी अफसोस की बात है अफसाना? और क्या तो यही तो बातें हैं मतलब आ, होती रहती है पर वेट मोटा होगी ये होगी पतली होगी ये हमारे हाथ में नहीं है कई बार बंदे मोटे ही चलते हैं उनका लक मोटे चलता है मैं अभी मुझे तो बताया हुआ है कि मैं हज़ार जतन कर लूँ जिम के लिए मैं करती भी हूँ वर्कआउट योगा भी करती हूँ बट नहीं हो पाता अब क्या करूँ मेरी पूरी फैमिली फिट है उनके एक बेबी भी सबके सब, सब स्लिम डिम लड़कियाँ हैं मेरी बहनें मेरी बॉडी ऐसी नहीं मैं तो इनशाला आप इससे भी ज़्यादा कामयाब होंगी आप हॉलीवुड में भी जाके आप ऑस्कर जीतेंगी अभी बता देती हूँ कि अभी हॉलीवुड कलेब्रेशन भी आ रही है मेरी क्या हो रहा है बताएं अब खुद ही आपने मुझे बताया <coughs> कौन सी हॉलीवुड कलाबोरेशन हो रही है क्या हो रहा है <coughs> अभी यहाँ डब करना मैंने 19 को गाना Wow. मेरा गाना स्टील बैंगल के साथ आ रहा है तो स्टेफ लंदन वाओ सो दिस विल बी अफसाना खान स्टील बैंगोस स्टेफ लंदन दिस इज अमेजिंग ये मेरे कैसे क्लब है ये सब अब अब जैसे जैसे बढ़ते हो तो मेरे ड्रीम ऐसे हैं कि भाई मैंने जैसे मेरा मन है मैं रिहाना ब्यान से इनके साथ काम करूं मुझे अच्छी लगती है ये मुझे समझ आए इंग्लिश ना आए ऐसे मैं आपको बोलेंगे मुझे नहीं आती स्टाइल कैरी करना कूल रहना चिल रहना ऐसे पसंद है वो लोगों को आता ही नहीं भाई ये तो ऐसी कॉपी कर रही वैसी ठीक है भाई अच्छे बंदे की कॉपी कर रहे हैं हम लोग जिन्होंने नाम बनाया दुनिया में उनका नाम है उनकी कॉपी कर रहे हैं हम हर एक का कोई ना कोई आइडल होता है एक और हमने बात करनी है वो है बॉलीवुड के बारे में क्योंकि हॉलीवुड तो इनशाला आप पहुंच जाएंगी रियाना बियन से आप सबके साथ काम करेंगी क्योंकि आप में वो एक काबिलियत है और एक टैलेंट है एक हुनर है आप में लेकिन बॉलीवुड की बात करें ना उससे पहले आपने मुझे थोड़ा सा जहर मोहब्बत सुनाना है क्योंकि मैं आपको सच बताऊं जब मैंने जहर मोहब्बत पहली दफ़ा सुना था तो मुझे फ़ौरन एक एक फीलिंग आई थी कि ये जो गाना है ना ये एक संजय लीला बंसाली के फिल्म में बिलोंग करता है ऐब है के आदत है रोग है राहत है प्यार तेरा प्यार में रह ली है दुआ या लानत है लानत है जो दे जी मर गया दा बसाया आया शेर मोहब्बत यार देह तो पीता 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 मैं जहर मोहब्बत यार देह तो पीता 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 मैं जहर मोहब्बत मैंने अब फायदा उठाना है हाँ? वो एक हिस्सा है गाने में <coughs> समझ गई फास्ट जाता जो ओह वो जाए ना तो कमाल है हो जाए दा 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 दा, दा किसे दा सब कुछ लेके पागल कमले हो जांदे सब इश्क दे राही पैके कोई मरदा यार थे कोई मर जावे दूरी से के इश्क समंदर वेके दूरों बैठे दूरों वेके आ ले जावे सब खो के पानी दी लहर मोहब्बत यार हथो पीता पीता मैं जहरू मोहब्बत यार दे पीता 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 में जहर मोहब्बत अच्छा और अब हमें ये आवाज <coughs> बॉलीवुड में पूरी तरह से सुनने को भी मिलेगी अब तक तो हमने सुनी है सुखी में आपने गाना गाया था बादशाह बाजी के साथ लेकिन अब हमें जो इस स्टाइल में आवाज है हाँ, वो भी मिलेगी बॉलीवुड में आ रहे हैं गाने मूवी आ रही है शिद्दत टू उसमें गाना है और फीचर नहीं बताऊंगी ट्रेंडिंग एक्टर्स एक, एक्टर एक्टर्स हैं और मोस्टली वो ट्रेंडिंग ही मेरे दोनों गानों में आने वाले हैं और बहुत जल्दी जैसे मैंने यूके का टूर फिनिश करना है यहाँ से मैं आपको आ, आ, हम ऐड होंगे इंस्टा में तो देखना मैं बॉम्बे चली जाना है तो संजय सर मुझे बहुत प्यार करते हैं और आ, मैं ये देखो एक बात बताना चाहती हूँ क्योंकि अच्छे इंसानों की बात सामने ना कम आती है अभी थोड़े टाइम पहले मैं मुंबई थी यहाँ से आने से तो सर को मिलना बहुत मुश्किल है बहुत बड़ी बात है उनके सामने सब आलिया रणवीर दीपिका और सब आके बैठते हैं खाना तो हम संजय लीला की बात कर, कर, कर रही हूँ मैं अब थोड़े दिन पहले आ, हम गए थे तो मैंने फोन मतलब हम गए उसी मकसद में थे तो, ने, ने, पहले थोड़ा रिवाइंड करें मुलाकात हुई कैसे थी मुलाकात मुलाकात कैसे हुई है कि मेरा जोड़ा गाना सुना होगा आपने अन्य? वो तो आपने एंड में हमें सुनाना है, सुनाना है। <laughs> तो जोड़ा गाना सर आ रहे थे गाड़ी में जैसे अब भी हमारी इंटरव्यू सारे मीडिया में रेडियो चली गई ऐसे गाड़ी में कुछ चल रहा था तो गाना आ गया तो शेर शे, शे लगाया मैंने ऐसा गाया तो सर ने बोला ये किस बंदी ने गाया सर ने सर ने जो मुझे बताया तो हर साथ के साथ ना उनके साथ एक पंजाबी भाजी अरविंदर भाजी तो बहुत प्यार करते हैं वो तो क्या हुआ उन्होंने बोला जी ये तो हमारे पंजाब की लड़की है अफसाना खान है उनका गाना तितलियाँ है ऐसा सब कुछ बताया सर कहते मुझे नहीं पता कौन सा गाना हिट है कौन सा नहीं मुझे ये बंदी चाहिए तो ठीक है मुझे कॉल आ गई तो पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया मैंने बोला यार संजय सर कहा हमें बुलाएंगे और बस फिर जब यकीन किया और हमारी फ़्लाइट टिकट सब हुई सर ने बुलाया सर ने एक नहीं तीन का डब किए पहली बार में तो जाके खुश हो गए मेरे हस्बैंड गए मैं गई मेरा भाई गया तो सर ने सर गए सर ने बहुत प्यार किया बहुत अदब तो जाने से पहले ना ऐसा था कि साइन करने पड़े कागज़ मुझे कि फ़ोटो वीडियो लाइक कुछ नहीं कर सकते कि सर थोड़ा प्राइवेट रहते हैं तो मैंने मेरे को आदत है कि जैसे अभी भी मैं आई हूँ बीबीसी मैं सब फोटो वीडियो बना ली मैंने रील्स तो क्या हुआ तो मेरा आदत है मेरी कि मैं अपडेट रहूँ लोगों को है ना तो मैंने ऐसे किया तो सर ने क्या किया कि ठीक है तो बाद में जैसे सर मिले सर बोले कि ये तो मस्त बंदी है एकदम मुंह से दिल से दिमाग से जो भी आया बोलती जा रही है सर आप ऐसे क्यों करते सर ऐसे कैसे करते ये कैसे बनाया उनको दस क्वेश्चन पूछ रही हूँ ऐसे बचपने वाली तो सर खुश हो गए बहुत ज़्यादा सर कह रहे हैं एक तो मुझे श्रेया घोषाल बहुत मेरी प्यारी बच्ची और पसंद करता हूँ वॉइस वो, एक उन्होंने मुझे बोला तो इज वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए सही बोली इंग्लिश मैंने बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए तो फिर क्या हुआ जब हम वापस आ गए और सर ने मेरे साथ फोटोज ली फोटोग्रा एक नहीं दो दो तीन तीन मैंने बोला अभी बंदे कह रहे हैं कि सर ऐसा करते नहीं है पहले एग्री साइन कराया कि नहीं कुछ नहीं फिर पाजी ने बोला जैसे हमें फ़ोन आया मैं क्या सर खुश हो गए थे क्योंकि हम तो उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं बोले कि सर कह रहे थे ये कैसी वाई वाई थी लड़की और कैसे तिरंगे आए थे तीन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी सुनाया भाई भाई ने भी सुनाया मैंने भी तो सर ने बोला ये कैसे तिरंगे आए थे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया फिर अभी की बात है बहुत सारे हिट गाने देखे सब लोग ऐसे ऐसे हवा फील चक रहे हैं तो क्या है कि वो लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं तो अभी मुझे बोले फ़ोन आया हम होटल में थे तो अभी आ जाओ सर ने लंच करना आपके साथ तो क्या है लंच का टाइम बीस मिनट ऊपर हो गया क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक है हम भी पहुंच गए थे पहले ही ट्रैफिक था और सर ने खाना तक नहीं खाया हमारी वेट कर रहे हैं टेबल पे बैठे हैं मैं गई ऐसे खड़े हो के मुझे मिल रहे हैं और आओ, आओ 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 वेट हो रही है ये मेरे घर से आया ये इसके घर से आया ये इधर से मंगाया अफसाना को ये दो अफसाना कितनी अच्छी बात है कितना अच्छा लगता है कि यार इतने बड़े लेवल में आके हम इतना प्यार दे रहे हैं क्योंकि इतनी इंडस्ट्री बॉलीवुड बैठे आर्टिस्ट तो सिर्फ आपके नेचर का आपको मिले हैं इस वजह से मुझे फील होता है कि मैं मुझे मैं ब्लेस्ड हूँ कि बस प्यार करते सर। आप मिल चुल हैं उस दुनिया हैं जैसे आप कह रहे हैं बताया कि सर ने खाया तक नहीं सर बोले कि आ रहे हैं हम वेट ही कर रहे हैं बैठे फिर मैंने बोला फोटो करने फोटो करने मैंने, मुझे इतना सर थे सर थे मैं थे मेरे हस्बैंड थे तो फिर मैंने बोला और मेरे को ना खाना खा के बैठे, बैठे ऐसे सर मुझे बोल तू तो फिल्मों में कब आ रही हो मैंने बोला सर मैं फिल्मों को आप ही लो अच्छा ये भी काम मैं करूँ मतलब उनका कुछ तो सोचा होगा मतलब बोला ऐसे खाना खा के एकदम तो मैंने बोला सर मुझे बोलते तो है पर मैं डिजर्व नहीं करती मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ फिल्मों में आने के लिए पर क्या पता क्या कब कर्म हो जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई मूवी में यार ऐसे बैठे नेक्स्ट टाइम मैं आपका फिल्म के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो आपने बात की है ना संजय ये बता रही अच्छाई जो सामने नहीं हाँ। आती पर ये मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पा अच्छा नहीं लगता ना नहीं। खाना खाते हाँ। 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 कुछ कुछ पल होते हैं जो सिर्फ आपके लिए ही होते, होते हैं।, हैं जो आपने रख के बचाने, बचाने हैं। 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 बेशक आप आप लोगों को बताएं, लेकिन उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी रिचा दी है अभी मैं वीडियो डालूंगी थोड़े दिन बाद क्यूँकी हम बॉम्बे में बहुत सारी वाइब्रेशन हम रिचा मैं अभी मेरा माना ना मेरा चैनल लगाया मैंने तो मैं ऋचा दी के साथ कर रही हूँ पाकिस्तान के आर्टिस्ट है जैन जोइब जिन्होंने ठगियां गाया भाई जान उनको पूछो मतलब फोन में सब बोलते हैं कि आप मतलब जो लोगों को नहीं पता ना भी अफसाना कैसी है वो सब मुझे गंदा बोलते हैं आप ठगियां गा सकती हैं हाँ क्यों मैं गाया भी है शो में सुना आपने प्लीज जदो दु तक आए होया बुरा हाल वे दिल मेरा चांदा हूं रमा तेरे नाल वे हो दिल नु दिल, दिल दिया लगी आने ਸਾਨੂੰ ਚਾਨ ਨ ਮਿਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾ ਨਾ ਨਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਣਾ ਐ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਐ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨਵੇਂ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਖਬਰ मरी ठगिया ने मारिया तो अब आप जैन और जहेब के साथ भी कलाबोरेशन yes, कर रही है उनके साथ भी कर रहे हैं वाह मैंने आपको पूछना था जो <laughs> संजली लब अनसाली जी के साथ कलाबोशन हो रही है ये हीरा मंडी के लिए होंगे नहीं नहीं वो लव एंड वॉर अभी ये भी बता देती हूँ कि देखो उनकी मूवीज़ में आते हैं गाने सर बोल रहे थे कि मैं ये सोच रहा हूँ सोलो करूँ के मूवी में करूँ देखो बड़ी बात है मेरे लिए सोलो करेंगे मेरे लिए फिर भी अच्छी बात है मूवी में करेंगे फिर भी अच्छी बात है। अब वो चल रहा है अभी मेरी डबिंग फिर है जाके यहाँ से तो वो उनकी मर्जी है तो अभी हमें नहीं पता कि ये जो लव एंड वॉर जो आलिया रणबीर और विकी की फिल्म आ रही है यस yes. आ रही है <laughs> उसमें अफसाना खान का गाना होगा आ रही है मुझे पता है। इनशाला इनशाला मुझे पता है इससे ज्यादा आप बोल भी नहीं सकती नहीं सकती हाँ। नहीं सकती अभी लेकिन ये जो भी फिल्में आएंगी जो भी गाने होंगे आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं क्या आप फिल्मों के साथ साथ अपने सिंगल्स निकालते रहेंगी आप अभी कह रही हैं रिचर्ड मेरे धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी आ रहे हैं Wow. यस yes, मैं याद जैसे जैसे आ रहा है ना बता रही हूँ हाँ जी तो मेरे चैनल के लिए जैन जी और रिचा दी और बहुत सारे हैं मैं मतलब मैं अभी सोच रही हूँ अभी सोच रही नहीं अभी बात चल रही है कि मैं आरफ जी के साथ भी करना चाहती हूँ मुझे पता है जो आपकी टीम यहाँ पे है वो तो आपको वो तो वो तो करवा सकते हैं मैंने बोला है क्योंकि मेरा मैं ना जुगनी आ, आपने सुना होगा मोस्टली मैं गाती हूँ मुझे बहुत पसंद है जुगनी गाना तो फिर ऐसा कि मैं जब भी स्ट्रगल टाइम से शुरू हुई थी ना तो जुगनी गाती हूँ मैं मतलब मोस्ट जय फेवरेट नहीं होता सॉन्ग हाँ। वो था तो मैं जैसे राइजिंग स्टार में गई थी सबसे पहले वहाँ पे भी जुगनी तो मेरी अटैचमेंट बहुत है तो मैं सोच रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान से अच्छी कलेब्रेशन आए तो अर्फ जी के साथ करेंगे बाकी धर्मा की कौन सी फिल्म है बता नहीं सकते ओ, हाँ, बता नहीं सकते बस टीज़र बता दिया पिक्चर बाकी है अच्छा चले हम इंतजार करेंगे आपने <coughs> राइजिंग स्टार की दो दो तो, तीन दफा बात की है राइजिंग स्टार पे एक हैं उनसे अब तो आप खुद इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत बड़े स्टार जी आप दोनों में कोई बातचीत होती है क्योंकि ऐसा कलाबोरेशन हो तो कमाल का हो इनशा जरूर करेंगे यहीं से मुझे यूके से इंक्वायरी आई थी इस मामले में Uh, हाँ कोई बो रहे कि गाना रेडी है मैंने अभी उनको मिलना है तो आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद शायद डब हो कुछ हो पर बताऊंगी नहीं कुछ नेक्स्ट टाइम आऊंगी धमाल के साथ मैं सारे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो वही सवाल है जिनकी जवाब नहीं आप नहीं दे सकते जवाब सो so, इनशाला हो चले हाँ, मुझे इंक्वायरी इस मैटर पे आई हुई है और बहुत अच्छे हैं दलजीत पाजी बहुत है अच्छा लगेगा डिफरेंट डिफरेंट सुनना लाइक करते सब बिल्कुल <laughs> अफसाना जी आपसे बात करके मुझे बहुत बेहद खुशी हुई है और आपने जो हमें पिछले घंटे में जो गाने सुनाए है आपकी आवाज में इतना दम है कि जो लोग आपको लाइव देखने आएंगे जी उनके लिए तो ये एक लाजवाब सी शाम हो जाएगी थैंक यू थैंक यू आज तो थोड़ा मौसम चेंज और हम जैसे हुआ ना पानी हाँ। सब हवा चेंज उससे थोड़ा ठीक नहीं था गला बट फिर भी जितना भी गाया और और अशोक में तो अच्छे गाएंगे आप बिंदास है वैसे है ना यस आप ऐसे ही रहना मैं ऐसे ही हूँ मैं क्या करूं इस इंटरव्यू के राय बता दो मैं भी ऐसी बंदी मैं भी रेडियो पे लोगों को बताऊंगा कि अफसाना खान डरावनी नहीं है नहीं, वो किसी वो को धमकी नहीं, नहीं देती वो आराम से बातें करती है हंसी मजाक में रहती है लेकिन हाँ, जोड़ा जो सुनाएंगी शो पे हे जोड़ा चांदी वाला जोड़ा बे तेरा दिता जोड़ा है दस कि मोड़ा वे साडा कितना लिहाज बे तू थोड़ा ओ आशिक बनाने वाले ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਚਮਲੌਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਚਰਲੌਣ ਵਾਲਿਆ ਏ ਜੋੜਾ ਚੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜਾ ਡੇੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮ ਲੋਣ ਵਾਲਿਆ ਏ ਜੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ अफसाना खान जी आपसे बात करके बहुत <laughs> खुशी हुई है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी आपसे भी और बीबीसी रेडियो एशिया नेटवर्क सारी टीम का बहुत बहुत थैंक यू और मैं अपना कीमती समा दिता तो इस इंटरव्यू के काबल समझया यही कहूँगी तो बस इदा ही प्यार करते रहो बहुत अच्छा लगे